हेलो एंड वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्नैपशॉट 22W14A के बारे में। इसमें से कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं जैसे कि क्ले रिन्यूएबिलिटी, मैनग्रूव ट्रीज, मैनग्रूव स्वैम बायोम, इको शार्ट एंड रिकवरी कंपास। सो हम लोग इसी फीचर्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बने रहे इस वीडियो में। मेरा नाम अभिजीत और आप देख रहे हैं प्यूट गेमर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहला फीचर के बारे में, विच इज़ क्लियर रिनेबिलिटी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर इस पोजीशन में अगर हम लोग मर्ड रखें और उसका नीचे नॉर्मल ब्लॉक ले और ड्रिपस्टोन ले, तो आप लोगों को कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिलेगा और इसमें टाइम लगने वाला है। सो हम लोग टिक को 100 कर लेते हैं एंड यू विल सी वॉट विल हैपन। सो एज़ यू कैन सी, जो मर्ड है उसमें से मॉइस्चर निकल चुका है। ड्रिपस्टोन के थ्रू वो मॉइस्चर, पानी जो भी था मड में, वो निकल चुका है और ये क्ले वापस से रिन्यू हो चुका है। सो मड इज़ नथिंग, मड इज़ अ वेट क्ले। सो इसी तरह से हम लोग मड में से पानी निकाल सकते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सैपलिंग के सेक्शन में हम लोग को एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है, विच इज़ मैनग्रूव प्रोपेग्यूल। सो ये एक तरह का सैपलिंग है, विच इज़ अ मैनग्रूव ट्री, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको डर्ट में प्लेस करें और बोन मिल इसमें हम लोग मारे, तो इट विल टर्न इंटू अ मैनग्रूव ट्री। एज़ यू कैन सी, ये नया ट्री अभी ऐड किया गया है और ये जो दिख रहा है ये वुड नहीं है, दिस इज़ अ मैनग्रूव रूट। अगर हम लोग सर्वाइवल में जाए और इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, सो इट विल ब्रेक। एंड इन्वेंट्री में अगर हम लोग जाके देखें और अगर हम लोग इस सेंटर में जाए, तो हम लोग को एक्चुअल में मैनग्रूव का लॉग देखने को मिलता है। इसको आप लोग सिंपली तोड़ सकते हो। ये मेरे को एज़ कम्पेयर टू अदर लॉग्स ये थोड़ा कमज़ोर लगा, मगर आई डोंट नो, ये मेरे को लगा या फिर ये एक्चुअली है। सो दिस इज़ मैंग्रूव लॉग एंड सिंपली जैसे हर लॉग होता है, इसको प्लैंक्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रेड देखने को मिल रहा है एंड ऑब्वियसली इससे आप लोग और बाकी चीज़ भी क्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि द वुडन फेंस गेट्स, द बोट्स, द डोर्स, द ट्रैप डोर्स, ये सब क्राफ्ट कर सकते हैं। और ये डोर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेट्स टेक इट एंड प्लेस करके देखते हैं। ये ट्रैप डोर भी थोड़ा सा मेरे को अलग ही लग रहा है। सो लेट्स सी ये कैसा दिखता है। ओ व्हाट भाई, ये क्या मस्त लग रहा है। सो टेक्सचर जो है ना, वैसा लग रहा है जो रॉयल पैलेस में जैसे टेक्सचर्स नहीं होते हैं, उसके अंदर में जो सामान रखा रहता है, एंड बीच में एक होल देखने को मिल रहा है। नाइस, लेट्स प्लेस द डोर। वो ओके, ये थोड़ा उल्टा लग गया, एक और बार हम लोग प्लेस करके देखते हैं सही से। भाई ये डोर का डिज़ाइन देखो, रॉयल पैलेस के अंदर हम लोग जो डोर रहता है ना, जो इंडियन फोर्ट्स है, सिमिलर लग रहा है मेरे को डोर का डिज़ाइन। पता नहीं वैसे ही डेप्थ नज़र नहीं आ रहा बिकॉज दिस इज़ माइनक्राफ्ट, बगर डिज़ाइन इज़ सिमिलर टू दैट। सो सिमिलरली अगर हम लोग सर्च करते हैं मर्ड, यू कैन सी डिफरेंट ब्लॉक्स रिलेटेड टू मर्ड। इसको आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, विच इज़ मैनग्रूव स्वैम बायोम। एक नया बायोम ऐड किया गया है, विच इज़ मैनग्रूव स्वैम बायोम। लेट्स गो देयर एंड गेस वॉट, इसमें आपको बहुत सारे मैनग्रूव ट्रीज मिलेंगे। एंड यस, कुछ ये ऐसा दिखता है और ये कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक लग रहा है। ट्रीज आर टॉल एज इफ इट इज़ अ रियल लाइफ। भाई मैन माइनक्राफ्ट रियल होता जा रहा है, सच बता रहे हैं। और ये सीन देखो ब्रो, ओशन का बगल में ये ट्री, और रात में देखो, रात में तो सीन एकदम, इट इज़ सो रियलिस्टिक ब्रो। और रात को अगर हम लोग इसके अंदर जाके देखें भाई, ओ यहाँ पे हम लोग को एक शिपरेक भी देखने को मिल रहा है, इट इज़ सो रियल भाई। ये एक एक्चुअल जंगल जैसा लग रहा है, रात को तो ये और भी स्पूकी हो जा रहा है। ब्रो वाज दिस भाई, ये अंदर जाते और डरावना हो जा रहा है। एंड यस, दीज आर द मर्ड्स, जो यहाँ से हम लोग मर्ड उठा सकते हैं। यप, आपको हर जगह ये मर्ड्स देखने को मिलेंगे। एंड जो वो सैपलिंग था ना, मैनग्रूव पोपोग्यूल्स, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर एंड प्लांट मोर मैनग्रूव ट्रीज। भाई ये तो क्रेजी है, ये एकदम एक्चुअल एक्चुअल जंगल जैसा है यार। सो अब रात को तो देखिए, ओके यहाँ पे पानी भी देखने को मिल रहा है, विच इज़ आई थिंक जैसे स्वयं बायोम में पानी नहीं होता, सिमिलर ही देखने को लग रहा है। मगर लेट्स डू द डे, और दिन को भी ये वैसा ही लग रहा है, बहुत सही। ये जंगल बायोम के बाद आई गेस द बेस्ट बायोम इज़ मैनग्रूव ट्री बायोम। आई एम जस्ट वेटिंग ये कब आने वाला है, तो क्या सही लग रहा है। एंड यस, वन मोर थिंग,
मड का अपडेट पहले आ चुका था, आई डोंट थिंक हम कवर किए हैं उसको। सो मड से आप और भी ब्लॉक्स बना सकते हो। तो इफ़ वी सर्च मड से रिलेटेड, आपको यहाँ पे काफ़ी ब्रिक्स देखने को मिल रहे हैं, मड स्लैब्स, ब्रिक्स स्लैब, ओके वॉल्स। सो ओके, सो ये टेक्सचर कुछ वो मैनग्रोव ट्रीज से रिलेटेड ही लग रहा है, मतलब सिमिलर है। अगर आप लोग इसका बिल्ड बनाना चाहते हैं तो ये मड और मैनग्रोव ट्री का कॉम्बिनेशन बहुत सही रहेगा, क्योंकि दोनों का कलर टेक्सचर सेम ही है। ये ब्रिक्स यूज़ हो जाएगा बिल्डिंग्स बनाने में एंड वो डोर्स एकदम मैच करने वाला है। सो दीज आर सेम एंड यस, ये सेम ही लग रहा है यार, जो फोर्ट्स होते हैं ना हम लोग के यहाँ, वो फोर्ट्स जैसे ही लग रहा है। ब्रिक्स, दिस ब्रिक्स आर नाइस। और ये मड ब्रिक है, आई मीन मड ब्लॉक है। सो इसको क्राफ्ट करना ईजी है, यू नीड सिंपली अ मड आई गेस। ओके, सो ये स्टेयर्स में हम लोग को मड ब्रिक्स लगेगा, मड ब्रिक्स के लिए हम लोग को पैक्ड मड लगेगा। ओके, सो मड एंड वीट, मड और वीट को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा मड, पैक्ड मड। ठीक है, मड ब्रिक्स हम लोग सिंपली चार रख के कर सकते हैं एंड तीन रख के स्लैब्स सिंपली इससे बन जाएगा। सो दीज आर गुड। ओके, वी कैन ऑल्सो सी मडी मैनग्रोव रूट्स, जिसमें मड एंड अगर मैनग्रोव रूट्स को कंबाइन कर दे तो मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डार्क टेक्सचर में मिलता है। ओके, सिमिलर टू अदर ब्लॉक्स, मगर ये वीट वाला कॉन्सेप्ट अलग लगा। ओके, एक और चीज़ हम लोग बोल रहे हैं मड मैनग्रोव से रिलेटेड, कि आप लोग को यहाँ पे स्वयं बायोम में ये बी नेस्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे तो आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप एक मैनग्रोव प्रोपेग्यूस प्लांट करते हो तो चांसेस है कि आपको इसके साथ पहले से ही बी नेस्ट स्पॉन मिले, मगर यस, ये चांसेस है। हम दो तीन बार लगा के ट्राई किए एंड आई वाज नॉट लकी कि मेरे को एक बी नेस्ट मिले, मगर यस, देयर इज़ अ चांस यू कैन गेट वन। एंड यहाँ पे जैसे आप प्लांट करते हैं, जो सैपलिंग है, जो मैनग्रोव प्रोपेग्यूस है, वो स्टार्टिंग आपको फ्लावर दिखाता है यहाँ पे एंड धीरे धीरे वो ग्रो होके एक प्रॉपर प्रोपेग्यूस बन चुका है, जिसको तोड़ के आप उसको प्लांट करके मैनग्रोव ट्री ग्रो कर सकते हैं। एंड अभी चांसेस है कि जहाँ पे स्वाम बायोम है उसके आसपास आपको ये बायोम देखने को मिल सकता है, एंड स्वाम बायोम में आपको जो नए फ्रॉग्स हैं, द न्यू मॉब एंटिटी फ्रॉग्स, यू कैन सी देम, दीज आर सो रियल ब्रो। और ये जंप बहुत हाई जंप करता है। एंड देर इज़ एन अपडेट रिलेटेड टू एंशियंट सिटी, विच इज़, जैसे लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि इसमें से लूट बहुत अच्छा कर दिया गया था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस स्नैपशॉट, मगर इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया है, विच इज़ इको शार्ड। अब आपको चेस्ट में से इको शार्ड मिल सकता है, और ये आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलेगा, आपको एक दो ही मिल जाएगा। जैसे कि पहला चेस्ट हम लोग को एक मिला एंड दूसरा चेस्ट खोलते हैं तो हम लोग को दो मिलता है, टोटल तीन ही मिला। और इसके बाद हम बाकी चेस्ट सर्च किए एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग को और इको शार्ट देखने को नहीं मिला, मगर इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ दिस यूज्ड फॉर, लेट्स गेट सम मोर इको शार्ट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल में एक नॉर्मल कंपास लेता और इसको सराउंड करते हैं तो वी विल गेट आर रिकवरी कंपस। अब ये क्या करता है, मगर इसको देखो कैसे ये दिखता है। एंड अभी जब तक आप एक बार भी अपने वर्ल्ड में मरे नहीं हो ना, सो ये रैंडमली ऐसे घूमता रहेगा, कहीं आपको ये लेके नहीं जाएगा। सो लेट्स डेमोन्स्ट्रेट इट। इफ़ आपके पास मान लो डायमंड्स है या फिर कोई वैल्यूबल आइटम्स आपके इन्वेंट्री में, सडनली व्हाट हैपेंस, कैसे भी करके आप मर जाते हो, ठीक है, एंड आप स्पॉन में पहुंच जाते हो। यहाँ पे अगर आप पहले से कोई रिकवरी कंपस स्टोर करके रखते हो कोई चेस्ट में, एंडर चेस्ट में, सो ये आपको जहाँ पे आपका लास्ट डेथ पॉइंट था ये वहाँ का लोकेशन आपको डायरेक्ट करेगा। जैसे कि देख सकते हैं ये मेरे को अपना डेथ पॉइंट तक लेके जा रहा है। एज़ यू कैन सी, यहाँ पे आते ही हम इसको फॉलो करते करते यहाँ तक आए एंड यहाँ जैसे ही हम पहुँचते हैं यू विल सी कि ये कांटा वापस मुड़ चुका है। जैसे ही हम वापस आते हैं ये रोटेट होने लगता है। सो आई थिंक ये ऊपर है एंड यस, ये ऊपर ही होना चाहिए, लेट्स गो एंड चेक। सो ये चीज़ बहुत सही है, देखते हैं क्या ये सही बता रहा है। एंड यस, हियर आर माई वैल्यूबल आइटम्स, फॉर नाउ इट इज़ डायमंड, सो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। सो आई डोंट नो ये कैसे हेल्प करेगा, मगर यस, इट इज़ अ गुड थिंग। इसको यूज़ करने के लिए आई गेस आपको स्पॉन में पहले से एंडर चेस्ट में या फिर नॉर्मल चेस्ट में इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा,
बार बार जब आप मरो स्पॉन आओ तो इससे डायरेक्ट करके सामान उठाओ, वापस जाके इसको स्पॉन में रख दो। सो ये थोड़ा सा भी मेहनत है, सो लेकिन एक आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि आप कहाँ पे मरे थे एंड यू कैन गेट योर वैल्यूएबल थिंग्स। सो नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू वार्डन, सो लेट्स गेट अ वार्डन एग और एक कोई भी रैंडम एंटिटी ले लेते हैं। लेट्स टेक अ फ्रॉग, ठीक है फ्रॉग ले चुके हैं, लेट्स स्पॉन द वार्डन एंड फ्रॉग। सो अब चेंजेस क्या है कि इसके पहले वार्डन सिर्फ प्लेयर्स के तरफ ही अट्रैक्ट होता था, मगर अब अगर उसको कोई भी एंटिटी डिस्ट्रैक्ट करता है सो उसको भी अब वार्डन छोड़ने नहीं वाला, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक नॉर्मल पिग हो, चिकन हो या फिर फ्रॉग हो। एंड यस मैंने नहीं मरवाया उस फ्रॉग को। चलो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में समझ आ गया होगा कि क्या क्या नए चीज़ आने वाले हैं और क्या क्या नए चीज़ चेंजेस हुए हैं। आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस अपडेट। इसमें मैनग्रूव जो बायो में वो मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट किया एंड ये कंपास मे बी विल यूज़ विल नॉट यूज़ आई डोंट नो, क्योंकि इसको लेने में भी झमेला है। जो इको शार्ड है वो मिलने वाला है हम लोग को एंशिएंट सिटी में, वो एक अलग ही स्ट्रगल है बिकॉज वार्डन्स विल बी प्रोटेक्टिंग द चेस्ट। सो ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए अपडेट्स एंड इफ़ यू वॉच हाई पिक्सल स्काई ब्लॉग आई डू लाइव हियर, तो सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो इस वीडियो को। मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय, हैव फन, पीस आउट।